Your Honor, सच तो ये है जब मैंने समायरा की खून से लथपथ लाश देखी तो छुरा प्रथा के हाथ में ही था। चाकू कातिल के हाथ में है और समायरा की खून से लथपथ लाश कातिल के बिल्कुल करीब। Your Honor, इस गुनाह का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सका है? My Lord, मेरे बेकसूर भाई रेहान को जेल भेजने वाली भी प्रथा ही थी। उसने उस पर झूठा इल्जाम लगाया। प्रथा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरा दिल तो दिल तुमने मेरा परिवार भी तोड़ दिया। मुझे आपको कुछ बताना है ऋषभ जी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ ऋषभ जी, आप मुझे बताइए। अगर कोई आपको मजबूर कर रहा है झूठ बोलने के लिए, आप मुझे बताइए। इनको कोई क्यों मजबूर करेगा ऋषभ? किसी ने आपको मजबूर किया? जैसा ये हीना वहीं पे थी, इसी ने मेरे पीठ पीछे छुरा भोंका है और ऋषभ जी भी वहीं पे थे, उन्होंने ये देखा है। हीना ने मुझे फोन किया, मुझे कह रही थी कि उसके पीछे और समायरा के पीछे गुंडे पड़े हुए हैं, उनके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, इसलिए मैं उनके पीछे पीछे दौड़ के आई उन्हें बचाने के लिए। पर समायरा को मारा है इसने और रिहान ने, और उनके जुर्म में शामिल थे ये रितेश और ये विहान भी। बस प्रथा, बहुत हो गया। अब तो तुम ये भी कहोगी कि मैं इनके साथ में लाऊं और समायरा का खून मैंने ही किया है। ऋषभ जी, आप वहीं पे थे, आपने देखा तो था ना सब कुछ। नहीं प्रथा, मैं वहां नहीं था, मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा। मैं तो ऑफिशियल ड्यूटी के लिए बाहर गया था, तुम ये बात अच्छे से जानती हो। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ कैसा? जब मैं वापस आया तो हीना खन्ना ने मुझे सब कुछ बताया। फिर मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक करी और जिसमें तुम समायरा के पेट से चाकू बाहर निकाल रही थी। देखो प्रथा, अगर तुम ये केस लड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक अच्छा वकील दे सकता हूँ, तुम्हें पैसे भी दे सकता हूँ ये केस लड़ने के लिए। मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। आप तो ऐसे बात कर रहे जैसे आप भी इस जुर्म में शामिल थे। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि प्रथा गुजराल ने अपनी देवरानी का कत्ल किया है और उसके निर्दोष पति रेहान को फंसाने की कोशिश की है। ये अदालत प्रथा गुजराल को फांसी की सजा सुनाती है। शिव जी, आज आपकी वरदानी आपसे अपने प्यार का वरदान मांगती है। जैसा प्यार करने वाला तुम्हें कहां मिलेगा भला? प्यार तो बस एक पल में ही हो जाता है। साइन करो। ले, एक और आ गई, अब इसकी भी टफली बजेगी, टफली देखना। अरे रुको, इधर कहाँ जा रही हो? वहाँ बाहर जा, उसके पास, वो बताएगी तुझे कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कहाँ खाना है, कहाँ सोना है और कहाँ रोना है। पर ये तो वार्डन डिसाइड करती है ना।
ये तू किसको पकड़ के लाई रे? अरे नहीं है, संभाल लेना। ये मेरा अड्डा है, मेरा सुनेगी तो सर पे छत, नहीं तो पैरों के नीचे खड्डा। मैं जिधर से गुजरती हूँ लोग मुझे बोलते हैं मिजाज मेरा अंगारा है और नाम है मेरा ज्वाला। तू बता तू कौन है? चल हट, जाने दे। यहाँ कैसे पहुँची? क्या कांड करके आई है तू? मैं वो इसने तो अपने ही देवरानी को मार दिया। कोर्ट में तो इसके पति ने ही इसके खिलाफ गवाही दे दी। अब तो इसका पति इसकी बहन के साथ ही रह रहा है। वो अपने कोर्ट के बाहर पंटर लोग है ना, उन लोग ने बताया। ए, चल पैर दबा। जैसे तू पैर दबाएगी ज्वाला अपना फैसला सुनाएगी कि तुझे मार दिया जाए कि तुझे छोड़ दिया जाए, मजा दिया जाए कि सजा दी जाए। चल। अरे जा। अरे ठीक से पैर दबाना। इसको तो पैर दबाना भी नहीं आता। वैसे तेरे लिए बुरा लगा? हाँ तो बुरा तो लगेगा ही ना। पति ने भी साथ छोड़ दिया और खुद की सगी बहन वो भी मुंह मोड़ ली। चुप। हम सब इसी जमात के हैं, चल छोड़। अब तुझे सजा दी जाएगी। इन सबके कपड़े भी तू धोएगी और प्लेटें भी। 300 लोगों के कपड़े और बर्तन ये धोएगी? थक भी नहीं जाएगी। अगर थक जाएगी तो बच जाएगी, नहीं तो मर जाएगी। अच्छा बाद में ठूसना, पहले जाके कपड़े धो। छुपा लो छुपा लो छुपा लो। क्या चुराया तूने? चोरी करती है? नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। अगर तलाशी में कुछ मिला ना तो तेरा बैंड बजा के रख दूंगी। ले चलो इसे। चलो चलो। देखो चोरी करना बुरी बात है। नहीं। साली चोरी करती है? नहीं। तूने मेरा हाथ पकड़ा? हाँ? तेरी इतनी हिम्मत? अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। प्लीज प्लीज मत मारो। प्लीज। चल ये चैन मुझे दे। नहीं, नहीं, ये नहीं। ये चैन मुझे दे। ये मेरे प्यार की निशानी है। चैन मुझे दे। चल। दे। ये मेरा मंगलसूत्र है, ये मैं नहीं दे सकती। तो क्या अगर वो मुझसे प्यार नहीं करते? मैं तो उनसे प्यार करती हूँ ना, ये मैं आपको नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। मुझे कुछ नहीं सुनना। ये मैं नहीं दूंगी। तेरा जीना हराम कर दूंगी मैं। चैन दे मुझे। पकड़ो इसे। जो मुझे चैन लाके देगा उसे इनाम मिलेगा, वो जेल का एक दिन का लीडर बनेगा। Thank you.
देखो प्रथा, तुम्हारी कंडीशन अब ऐसी है कि तुम्हें अब अपना बहुत ध्यान रखना है। अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म करना चाहोगी क्या? यू आर प्रेग्नेंट। मैं प्रेग्नेंट, मैं मां बनने वाली हूँ। मुझे प्लीज फोन मिलेगा, मुझे बात करनी है। सॉरी, हम कैदियों को फोन नहीं दे सकते। बस दो ही मिनट लगेंगे, मुझे अपने पति को बताना है। ठीक है, दे दीजिए। ठीक है, कर लो, पर सिर्फ यही एक मैसेज देना, और कोई बात नहीं। The number you are trying to reach is not available. The number you are trying to reach is not available. Please, दो ही मिनट। चलो, मुझे उन्हें बताना तो होगा ना। तुम्हारे पति को हम इन्फॉर्म कर देंगे। प्लीज, मुझे बस दो मिनट बात करनी है। प्लीज प्लीज, मुझे बस दो ही मिनट बात करनी है, मुझे उसे बताने तो दीजिए। प्लीज इंस्पेक्टर, प्लीज बस दो मिनट, प्लीज। हे शिव जी, आपने मेरा कल कैसा लिखा है, और ये मेरे आज ने मुझे क्या दे दिया। मैं माँ बनने वाली हूँ ऋषभ जी के बच्चे की, और उन्हें बता भी नहीं सकती। मैं प्रेग्नेंट हूँ और जेल जा रही हूँ। मुझे आपको एक गुड न्यूज देनी है, आप बहुत खुश हो जाएंगे। ऋषभ जी कहाँ गए? मुझे लगा वहां कोई है। बाप बनने की एक्टिंग कर ली तो सच में बाप बन रहे हो? जब बेटी के कदम बहक जाए तो फिर एक पिता को बाप भी बनना पड़ता है, और नाक भी।
सॉरी सर, हमें प्रथा कहीं भी नहीं मिली। हमने सारे चेक पोस्ट पे इन्फॉर्म कर दिया है। हाँ, जल्दी ढूंढ लेंगे उसे। तेरी ही ड्यूटी पे थे शीला, बेचो बैग चोरी कहेगी। हे, रुको, हुजूर को मारती हो? मैं इस जेल की डॉन हूं, तू कौन होती रे फैसला सुनाने वाली? कौन सा वक्त दिखाना चाह रहे शिव जी? ऋषभ जी, मैं एक दिन आपको मेरे बारे में जो कुछ भी बताया है वो सब झूठ है। शहर की जानी मानी हस्ती ऋषभ गुजराल दूसरी शादी कर रहे हैं। ऋषभ जी, क्या क्या हो, क्या गया इन्हें? मेरा प्यार भूल गए हैं या खुद को ही भूल गए हैं? कंबख्त, हम सब इसे मारना चाहते थे, अब देखो ये सब इस पर मर रही हैं। अब तो इसे हम छुप ही नहीं सकते। छोरी पे छुरा नहीं चलाना, अभी हम सब इसके साथ चल रहे हैं, प्यार से नहीं दिल से, क्योंकि इसने हम सबका दिल जीता है।
आर्मी ऑफिसर टर्न बिजनेसमैन ऋषभ गुजराल इज गेटिंग मैरिड टू हिना खन्ना। ऋषभ जी, मुझे ऋषभ जी से बात करनी होगी। ऋषभ ये शादी कर रहे हैं महक दीदी से। सॉरी, तुम्हारा बच्चा? हाँ, मेरा बच्चा दीजिए। नहीं है। नहीं है मतलब? मतलब तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। पिछले 8 महीने से आपको जीवन दान मिला था क्योंकि आप मां बनने वाली थीं और केस लड़ रही थीं। सॉरी टू से आप केस हार गई हैं। कोर्ट ने आपके लिए वही सजा तय की है जो पहले की थी, फांसी की सजा। तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। जीने की सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, अब वो भी मर गई। अब तो क्या फर्क पड़ता है, सजा क्या मिलती है। महादेव, मैंने अपने प्यार के लिए अपनी शक्तियां त्याग दी, पर इस दुनिया में शक्तियों के बगैर इस एक औरत की कोई इज्जत नहीं होती। अगर मैं आज शेष नागिन होती तो एक हर उस इंसान से जो मुझ पे वार करता उस पे पलट वार करती। अपने हर दुश्मन से लड़ती और जीतती भी, पर आज मेरे पास शक्तियां नहीं तो इज्जत नहीं, इज्जत नहीं तो ताकत नहीं, ताकत नहीं तो जीत नहीं। मैं शेषनागिन नहीं तो कुछ भी नहीं, पर आज भी आपकी भक्त हूं, शिववरदानी नहीं। आपने कैसे कहानी लिख दी है मेरी शिव जी, जिसके हर पन्ने पे एक मोड़ है, एक ऐसा मोड़ जिससे मुड़ना भी नामुमकिन है। यह आपने मेरा कैसा भाग्य लिख दिया है, ये कैसी दुर्भाग्य वाली जिंदगी जी रही हूँ मैं। मेरी होनी में क्या होना है शिव जी? शिव जी, आप तो करता धरता है, जो भी गिरता है, कभी जिस पर भी संकट आता है तब आप आते हैं, उसे संभालते हैं। तो आपने मुझे क्यों नहीं संभाला शिव जी, क्यों नहीं संभाला शिव जी?
ठीक है, आपने मेरे भाग्य में जो भी लिखा है मैं वो सब करूंगी। मुझे सब कुछ मंजूर है, जब तक जी सकती हूँ जीऊंगी, जीऊंगी और पता लगाऊंगी कि मेरे साथ ये सब क्या हो गया। ये सब क्यों हो गया? आप कितनी परीक्षा लेंगे मेरी और शिव जी? जिससे मैंने प्यार किया उसने मेरे साथ क्या किया? सच तो ये है, जब मैंने समायरा की खून से लथपथ लाश देखी तो छुरा प्रथा के हाथ नहीं था। सब कुछ खो दिया मैंने शिव जी, सब कुछ खो दिया मैंने। प्रथा, तुम्हारी अर्जी खारिज हो गई है तो तुम्हें अब फिर से जेल चलना होगा। मुझे बोलते हुए ही अच्छा तो नहीं लग रहा है कि कुछ ही दिनों में तुम्हें अब फांसी हो जाएगी। तो आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं? ये लिखा आपने मेरे भाग्य में, तो ठीक है। वैसे भी अब जिंदगी में जीने के लिए और कुछ बचा नहीं, तो अब खुद को बचा के क्या फायदा? था, आज तुम्हारी सजाए मौत की तारीख है, आज तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। तो चलो, तुम्हारा जाने का वक्त आ गया, चलो।